वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम जा रहे हैं घूमने एक नई सिटी इंग्लैंड में ही। और यहाँ पर जैसे कि बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं, तो वो सिटी भी काफ़ी हिस्टोरिक सिटी है, फेमस है। आप लोगों ने सुना होगा फेमस शेक्सपियर का नाम, और उसका होम है वहाँ पर। और बहुत और भी सारी बहुत हिस्टोरिक चीज़ें हैं। तो आज वीकेंड है और हम लोग घूमने निकले हैं वहीं पर। काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है और सोच रहे हैं कि मम्मी को भी वहाँ पे घुमा के लाएं। हम भी नहीं गए हैं वहाँ पर कभी, एक बार गए थे नाइट में, तो तब एक्सप्लोर उतना नहीं कर पाए थे। और मम्मी को भी आज वहाँ घुमाएंगे और हम भी देखते हैं कि कैसा है। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं रिवर साइड, वहाँ पे जो रिवर है एवॉन रिवर। तो एवॉन रिवर पे जाके वहाँ पे देखते हैं कि कैसा है, बोटिंग वगैरह होती है वहाँ पे, हमने देखा है ऑनलाइन, तो कैसा व्यू रहेगा आप लोगों को भी दिखाएंगे। और घूमते हैं अच्छे वेदर में। मम्मी एक्साइटेड नई सिटी घूमने के लिए? जी, बहुत एक्साइटेड हूं मैं। और कैसा लग रहा है आपको रूट यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ग्रीनरी अच्छा। क्योंकि अभी तो थोड़ा सा मौसम जो है वो अभी फॉल हो के चुका है, तो उतने ज्यादा पेड़ जो है वो ग्रीन नहीं है, बट फिर भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ, अब ये अगर 1 month लेटर ये पूरा ग्रीन हो जाएगा और ब्यूटीफुल लगेगा। सब सोचो आप कैसा लगेगा ये, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हाँ, और हम अभी यहाँ से 1 घंटे का रूट है, तो अब वहीं जाके मिलते हैं। तो अभी हम लोग ना रिवर साइड पहुँच गए हैं, बट यहाँ आके पता चला ये बिल्कुल बिल्कुल वीराना पड़ा है, वीराना। तो ये लोग अभी देख रहे हैं कि क्या करना है, बताओ क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि विंटर्स है, तो विंटर्स की वजह से अभी इनका बंद है टिकटिंग वगैरह जो बोटिंग की होती है। बट ब्यूटीफुल लग रहा है प्लेस को काफी। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? काफी ब्यूटीफुल है, पर लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा है। हम तीन के अलावा कोई नहीं। अच्छा लग रहा है फिर भी। हम तीन के अलावा यहाँ कोई नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि फोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह है, तो हम फोटोग्राफी कर सकते हैं यहाँ पे। इतनी दूर से आए हैं और थोड़ा सा उधर रिवर के साइड चलते हैं, वहाँ बैठ के कुछ खा पी लेंगे। क्या मम्मी? झूले वगैरह है यहाँ पे? कोई भी नहीं है, पर लेकिन हम इंजॉय कर लेंगे यहाँ। हम झूला झूलेंगे, ये वाले झूले की बात कर रही है मम्मी, के अंदर चलते हैं और थोड़ा झूला ही झूल लेते हैं। ठीक है। ये मजे लेते हुए पानी के, हवा, ठंडी हवा चल रही है एकदम, ऐसा लग रहा है कि हमने ये प्लेस बुक कर लिया है अपने लिए। कोई भी नहीं कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बिल्डिंग बहुत ही प्यारी लग रही है, सब आके यहाँ पे रुकते हैं, सब अपना एंजॉय करते हैं यहाँ पे। बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब पूरा वुड का बना हुआ है मम्मी, ये लकड़ी का पूरा वुड का बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मतलब बिल्कुल रिवर साइड है, ये रिवर है सामने, और जस्ट उसके सामने सोचो क्या व्यू आता होगा जब लोग इसमें रुकते होंगे और अपनी बालकनी से, है ना, कितना ब्यूटीफुल लगता होगा। बहुत प्यारा सनराइज सनसेट दोनों देखते होंगे इस साइड। वैसे अभी तो यहाँ पे विंटर्स चल रही है, तो ये ना एरिया भी बंद है और लिखा भी हुआ है मार्च तक ही बंद रहेगा, बट उसके बाद ना यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि खाली मिलेगा ऐसा, यहाँ तो बहुत ज्यादा क्राउड होगा। ये एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पीस है, सिटी से आउट है ये, तो क्या कहते हैं, और रिवर साइड भी है, तो बहुत अच्छा व्यू आता होगा। और ये रिवर है कौन सी? एवॉन रिवर। हाँ, मैं ये बताना भूल गया, एवॉन रिवर है ये, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन की एवॉन रिवर। तो हम तीन परिंदे यहाँ घूम रहे हैं, कोई एक एक दूर और कोई नहीं है। और मम्मी को तो बहुत अच्छा लग रहा है, तब भी अच्छा लग रहा है। हाँ। होने के बावजूद भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे बोर हो रहे हैं क्या है, बहुत तब भी बहुत मन लग रहा है। हाँ, क्योंकि मम्मी के लिए बहुत ही नया है ये सारी चीजें, हमने तो फिर भी देख रखी है, लेकिन मम्मी को ना बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। और अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ देख लेते हैं थोड़ा बैठ के, और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, इस सिटी की नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे गार्डन्स भी हैं और काफ़ी अदर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, तो वो देखेंगे। ठीक है मम्मी? ठीक है। हम बैठ गए हैं अब खाने के लिए, लंच टाइम, और हम लेके आए हैं घर से बना के गरम गरम दाल की कचौड़ियाँ, और पूरी गरम चाय भी लेके आए हैं अपना, पैको के चलते हैं। मजा आ जाएगा, गरम गरम उड़द की दाल की कचौड़ियाँ। हाँ, अचार के साथ, आम हाँ। के अचार के साथ, और सब्जी भी है, गोभी की सब्जी भी है, और ग्लास चाय करेंगे और अपना प्लेट्स में खाएंगे। और यहाँ पे इतना अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है कि माइनस में टेम्परेचर है, और गर्मी भी नहीं है। आज ना टेम्परेचर 9 या 10 ही है। हाँ, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्लाउडी है थोड़ा, और घूमने में भी अच्छा लग रहा है। तो अब खाते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर।
घर बने हुए हैं और ये घर देखो जमीन पे नहीं है, जमीन से ऊपर बने हुए हैं, मतलब कहीं भी शिफ्ट कर लो इन घर को उठा के, और पूरा मतलब 3 बेडरूम 2 बेडरूम ऐसे पूरे हाउसेज हैं। ये नीचे है ही नहीं, मतलब जमीन पे है ही नहीं, नीचे जमीन से ऊपर है और सारे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और मतलब हाँ टायर्स लगे हुए हैं, और पूरा अंदर ना मतलब डाइनिंग एरिया लिविंग रूम बेडरूम किचन सब बनाया हुआ है, इवन परचेज के लिए भी अवेलेबल है, यहाँ पे लिखा है यू कैन बाय ऑल्सो। बटरफ्लाई फॉर्म यहाँ पर, और ये हमने अभी पार्किंग का टिकट ले लिया है यहाँ से, कार पार्किंग में लगा दी है जस्ट वहाँ पे सामने ये पार्क के, और बहुत बड़ा लग रहा है एरिया, तो अब अंदर चलते हैं। और बटरफ्लाई फॉर्म है तो डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाईज देखने को मिलेंगी, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। हाँ चलो तो ये एंट्री है और चलते हैं अंदर, काफ़ी ब्यूटीफुल पार्क है, मतलब आवाज़ भी गुजरी है। और ये अंदर अभी यहाँ का टिकट है 10 pounds per person, तो अभी हम सोच रहे हैं कि टिकट अंदर जाके शायद क्यू से लेना हो क्योंकि हमने ऑनलाइन लिया नहीं है, तो चलते हैं अंदर। लग रहा है इतनी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई है और व्यू भी इतने अच्छे अच्छे बना रखे हैं कि हमने मतलब तरह तरह की कलरफुल बटरफ्लाई देखने को मिल रही है। मम्मी कैसा लग रहा है? अभी हम चले हैं वापस घर के लिए और निकल गए हैं रूट पे, 1 घंटा दिखा रहा है, और काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी अच्छी अच्छी नई चीज़ें एक्सप्लोर करी और बहुत डिफरेंट चीज़ें, जैसे बटरफ्लाई वाला था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और अभी बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई है तो हम लोग निकल गए वापस घर के लिए, और होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ऐसी और वीडियोस के लिए वेट करिए जो कि हमारी डे ट्रिप्स की और हमारी ट्रैवल वीडियोस आती रहेगी, और आप लोग इन्जॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।